तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली जो है यूँ कह सकते हो कि थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बेसिकली थियरी का ही ज़्यादा यूज करूँगा। बहुत ज़्यादा ये मैथमेटिकल तो है नहीं कुछ। तो ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पर देखो, पोलराइजेशन जब होता है, अगर ये इंटरफेस है, वह लाइन जो दो मीडियम म्यू वन और म्यू टू को अलग कर रही है, तो यहाँ म्यू वन है और ये म्यू टू है, ठीक ना। तो अगर लाइट ये यहाँ से आ रही है, तो जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज होती है। अनपोलराइज का क्या मतलब होता है कि जो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द स्क्रीन और ये सभी डायरेक्शन में होते हैं, ठीक ना। ये वाले क्या ऐसे होते हैं और ये इंसिडेंट है। लेकिन जब यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, ये लाइट रिफ्लेक्टेड या प्लेन पोलराइज होती है, तो पोलराइजेशन से पहले इसकी इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी डायरेक्शन में थी, प्लो अंदर बाहर ऐसे थी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो जब ये पोलराइजेशन हुआ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर था, ठीक है ना, पहले जो थियरी अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर थे वो ख़त्म थोड़ी हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो ये वाले थे, जो बिंदी बिंदी थे, जो इसकी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर थे, वो इसके ऐसे ये जो है रिफ्लेक्टेड रे के साथ ऐसे होते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। ये जो है ये प्लेन पोलराइज लाइट है, दिस इज अ प्लेन पोलराइज, और इलेक्ट्रिक वेक्टर इसमें परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, अगर ये जो तुम देखोगे स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर आएंगे। और ये जो लाइट रिफ्रैक्टेड होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है, और इसमें कुछ ऐसे स्क्रीन के जो है ऐसे स्क्रीन में आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ होती है, उस वक्त ये एंगल 90 होता है और ये ब्रिस्टर्स एंगल होता है। तो यहाँ से तुम देखोगे मी इज इक्वल टू टेन आई पी के इक्वल होता है, तो यहाँ से ब्रिस्टर्स एंगल आई पी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी टेन इनवर्स म्यू के इक्वल आ जाएगी। तो आई पी जो है वो टेन इनवर्स म्यू के इक्वल आ जाएगी, मतलब ये सही नहीं है। और यहाँ से भी रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड पोलराइज एंड इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना, जो प्लेन है उसके इंसिडेंट के मतलब परपेंडिकुलर है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है।